एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी इंडियन आउट देयर। इस वीडियो में हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू अ गिवन कर्व। और हम देखेंगे कि किसी भी हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं जब वो किसी भी कर्व से गुजरता है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो किसी भी कर्व का डीवाई बाई डी एक्स हमें क्या देता है? वो हमें टेंजेंट का स्लोप देता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमें एक कर्व दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, एंड ये एक ए बी इस पॉइंट से टेंजेंट खींचा हुआ है, एंड इस पॉइंट का नेम है एन। तो अगर किसी भी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स हम अगर फाइंड करते हैं, अगर हम इसी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स एट एन फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो होगा इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। यानी जो मैट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यही होता है कि किसी भी कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। तो हम समझ गए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो तो उन दोनों का स्लोप भी इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू एम वन एंड स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू एम टू। तो ये दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। चलिए हम एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू एट अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज थ्री। हमें इस एक टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है जो टेंजेंट एक कर्व, जैसे मान लीजिए इसी तरह का कुछ कर्व है और उस कर्व के एक पॉइंट से वो टेंजेंट गुजर रहा है और उस कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट थ्री है। तो हम जानते हैं कि अगर हम उस कर्व के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमें उस टेंजेंट उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट का स्लोप देगा। तो हम यहाँ पे इसे डिफरेंस के वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखते हैं। फिर अगर इसे हम वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर इसका, और क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया। तो अब हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है जो हमारा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट थ्री दिया हुआ है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू थ्री फाइंड करेंगे तो हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। ये हमारा 24 आंसर हो गया। और हम यहाँ पे हम इस वीडियो में देख रहे हैं हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम टेंजेंट के इक्वेशन के बारे में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। अगर हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर हमें उसका इक्वेशन फाइंड करना है और उसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं दो पॉइंट के, तो हम उसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसे हमने पहले भी देखा हुआ है। ये हमारा कुछ नहीं बल्कि एक इस लाइन का स्लोप है। अगर हम इसे अगर हम टेन थीटा मान लेते हैं तो अगर हम टेन थीटा इस लाइन का निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये हमारा वाई टू हो गया एंड ये एक्स टू। तो पी बाई बी, तो पी बाई बी इक्वल टू होता है हमारा वाई टू माइनस, तो हम पी बाई बी इक्वल टू लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हमारा स्लोप हो गया। तो हम वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक वन इक्वल एक्स वन इक्वल टू एम लिख सकते हैं और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है तो ये टेंजेंट भी हमारा कुछ नहीं एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
क्योंकि ये एम हमें क्या देता है कि एम हमें हम दे रहा था इस लाइन का स्लोप, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले हम देखते हैं हमारा नॉर्मल क्या होता है। अगर हमें कोई एक कर्व दिया हुआ है एंड ये मान लीजिए पी क्यू हमारा इस पॉइंट आर से एक टेंजेंट पास हो रहा है, एंड अगर कोई भी लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए पी क्यू का स्लोप हमारा दिया हुआ है M1 एंड जेड वाई का स्लोप है M2, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। तो हम M2 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, एंड M2 इक्वल टू फिर हमारा -1 dy/dx हो जाएगा, क्योंकि M1 अभी हम तुरंत देखे थे ये इस लाइन का M1 क्या होगा, इस कर्व का इस पॉइंट पे जो भी dy/dx आएगा वही हमारा PQ का स्लोप होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 इक्वल टू -1 dy/dx। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो इस हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जानते हैं y-y1 इक्वल टू x-x1 इंटू m। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y-y1 इक्वल टू x x-x1 इंटू -1 dy/dx, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हम वहाँ पे स्लोप ही लिखते हैं। एम हमारा जो एम जो होता है हमें हमारा स्लोप इंडिकेट करता है। तो हम M2 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अभी तुरंत M2 फाइंड किए, -1 dy/dx। तो फिर हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा -1 dy/dx इंटू y-y1 इक्वल टू x-x1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व। सो दैट्स इट। इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज dy/dx ऑफ द कर्व। सो आई होप मैं जो आपको समझाना चाहती थी वो मैं समझा पाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।